नमस्कार दोस्तों, 11 मार्च 2024 को भारत सरकार ने CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 को एक गजट नोटिफिकेशन के माध्यम से पूरे देश में लागू कर दिया है। इसके साथ ही फिर से वही चर्चा और बहस शुरू हो गई है जो संसद में इसके बिल पास होने के समय हुई थी। मतलब जानेंगे इस वीडियो में क्या है CAA और क्या इसके फायदे और नुकसान हैं, इसमें किन लोगों को शामिल किया गया है, क्या इसके नियम हैं और सबसे बड़ा मुद्दा कि बीजेपी को इसका पॉलिटिकल फायदा क्या है। तो बने रहिए इस वीडियो में और तब तक आपसे निवेदन है कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो खत्म होने पर लाइक और पसंद आए तो अपने साथ वालों के साथ शेयर जरूर करना। सबसे पहले जानते हैं कि CAA का उद्देश्य क्या है, क्या आखिर इस कानून में बताया गया है। तो CAA में कहा गया है कि हमारे तीन पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, वहाँ के जो माइनर कम्युनिटीज हैं जैसे हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियंस, जो यहाँ पर भारत में शरणार्थी बन के रह रहे थे, तो उनके लिए एक परमानेंट सिटीजनशिप का प्रावधान करता है। इसमें याद रखने वाली बात यह है कि इसमें मुस्लिमों को बाहर किया गया है। मतलब ये केवल जो गैर मुस्लिम शरणार्थी हैं उन्हीं को नागरिकता का प्रावधान करता है। इसके नियम क्या हैं, तो इसके नियमों की बात करें तो भारत सरकार ने इसमें एक कट ऑफ डेट मतलब जो 31 दिसंबर 2014 से पहले जो शरणार्थी भारत में आ चुके थे उन्हीं को केवल ये नागरिकता प्रदान करने के लिए कानून है। उसके बाद वाले और मुस्लिम जो शरणार्थी हैं जो सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए इसमें कोई प्रावधान नहीं किया गया है। अब इसका विरोध क्यों हो रहा है, तो सबसे बड़ा इसका विरोध का कारण ही यही है कि इसमें मुस्लिमों को क्यों बाहर किया गया है। मतलब कुछ कानून के जानकार और विरोधी दल ये कह रहे हैं कि इसमें संविधान का उल्लंघन किया गया है और इसमें धर्म के आधार पर लोगों भेदभाव किया जा रहा है, जिसके लिए खुद गृह मंत्री जी अमित शाह ने संसद में इसका स्पष्टीकरण दिया और उन्होंने कहा कि इसमें किसी भी तरह के भेदभाव को नहीं किया जा रहा है, बल्कि जो हमारे तीन पड़ोसी मुल्क हैं उनमें अल्पसंख्यकों के साथ जो भेदभाव हो रहा है जिस वजह से वो लोग भारत में शरण लेना चाहते हैं उनकी सुविधा के लिए ये कानून लाया गया है। मुस्लिमों को इसमें क्यों बाहर रखा गया है, तो उनका इस पर तर्क है कि मुस्लिम वहाँ ऑलरेडी मेजोरिटी में हैं और मेजोरिटी होने के नाते उन पर धार्मिक वजह से कोई उनके साथ भेदभाव नहीं होता है और ये केवल कानून उन्हीं लोगों को सुरक्षा प्रदान करता है जिन पे धार्मिक आधार पर जिनके साथ भेदभाव हो रहा है। साथ ही साथ इसमें भारत सरकार का कहना है कि ये कानून शरणार्थियों को केवल नागरिकता देने के लिए है। इस कानून के तहत किसी की नागरिकता जाने का कोई सवाल नहीं है, लेकिन कुछ ओपोजिशन पार्टीज और मुस्लिम संगठन NRC और CAA को एक साथ जोड़कर देख रहे हैं और उनका कहना है कि ये दोनों को अगर एक साथ जोड़कर देखा जाए तो ये मुस्लिमों के लिए आने वाले समय में घातक हो सकता है। अभी NRC क्या है, तो CAA की तरह ही NRC भी एक नेशनल रजिस्टर फॉर पॉपुलेशन, मतलब जहां CAA इन तीन देशों से आए अल्पसंख्यकों को नागरिकता प्रदान करने का कानून है, वहीं NRC एक नेशनल रजिस्टर होगा जिसमें भारत के नागरिकों की गणना की जाएगी और साथ ही साथ ये देखा जाएगा कि कौन यहाँ पे कितने लोग इलीगल रूप से भारत में रह रहे हैं। मतलब उसका जो NRC का मुख्य उद्देश्य है वो है कि भारत में जो पड़ोसी मुल्कों से जो अवैध रूप से आए हुए लोग भारत में रह रहे हैं उनकी पहचान करना और उनकी गणना करना। अब ये आखिर NRC और CAA को कैसे एक साथ जोड़ा जा सकता है और कैसे उसको एक साथ जोड़ने से क्या उनकी शंकाएं हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। उन लोगों का कहना है कि NRC के तहत पहले उन लोगों को पहचान चिन्हित किया जाएगा जो अवैध रूप से भारत में रह रहे हैं, फिर उसमें से देखा जाएगा कि कौन मुस्लिम है और कौन गैर मुस्लिम है, और जो भी गैर मुस्लिम रहेंगे उनको CAA के तहत उनको नागरिकता दे दी जाएगी और जो मुस्लिम हैं
उनको अवैध घोषित करके बाहर डिपोर्ट कर दिया जाएगा। ये जो एक शंका है मुस्लिम संगठनों और विरोधी दलों के द्वारा जो जताई जा रही है, एनआरसी और सीएए को साथ में देख करके, साथ में जोड़ करके जो एक शंका जताई जा रही है वो यही है। तो वो कितनी सही है कितनी गलत है अभी तक इस बारे में कुछ भी नहीं है। हालांकि सीएए कानून में इस तरह का कुछ भी जिक्र नहीं है, उसमें केवल कुछ चुनिंदा लोग जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में शरण लेने आए थे, जो कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के गैर मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, उन्हीं की नागरिकता के विषय में ये कानून लाया गया था। एनआरसी के साथ इसका क्या संबंध है, आने वाले समय में इसका क्या प्रभाव होगा, इसके बारे में इस कानून में अभी कोई भी चर्चा नहीं है। अब बात करते हैं जो एक सबसे बड़ी बहस इसकी टाइमिंग को लेकर के और बीजेपी को होने वाले पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए जो एक आरोप लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी अपने पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए इस कानून को लेकर आई है और चुनाव के समय ही इसको लागू किया गया है। सीएए बीजेपी को उनके राजनीतिक बेस को मजबूत करने में मददगार साबित हो सकता है। इससे उनका जो हिंदुत्व वाली इमेज है और उनका जो कोर वोट बैंक है उसको और मजबूत करने में वो इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। कारण है जैसा कि जो कुछ विपक्षी दलों के नेता कहते आए हैं कि चुनाव से जस्ट पहले, और यही वो कारण है कि चुनाव से जस्ट पहले बीजेपी ने इसको लागू करके अपनी मंशा भी व्यक्त कर दी है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।